वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव पंचायती राज ने गुरुवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव पंचायती राज ने स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, ग्राम निधियों में अवशेष धनराशि की शिकायतों का निस्तारण, कोर्ट में लंबित प्रकरणों, वेबसाइट पर सभी कार्यों का डाटा एंट्री किए जाने सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बट वो करने के समय आप एक बार शिफ्टिंग टाइम वगैरह भी उसका चेक कर लीजिएगा, इसे आपको फिर देखना पड़ेगा कि वो काम करने की स्थिति में है। और 351 का हमें पैसा मिला है PIGF टॉयलेट बनाने के लिए। PIGF में ना एक ये वो था कि जहाँ SC बहुल्य क्षेत्र है वहाँ दिया जाए PIGF का। आपके पास राशि कम हो वहाँ पे आप उसको डेट करके बना लीजिए का पैसा है, ये उसी में जाए। वो यूजेबल होना चाहिए, नहीं तो उसको भी ठीक करना है तो उसको भी अपने रिनोवेशन में शामिल करिएगा। और पानी वानी की अच्छी व्यवस्था वहाँ बनाइएगा, पानी वानी रहने से वो ठीक रहता है। तो ये आपको डायरेक्शन दे देते हैं कि जहाँ पुराने बने हुए हैं उसको आप रिनोवेट कर सकते हैं, कोई नहीं। बट ये ठीक रहेगा, अगर पुराना बना हुआ है यूज नहीं हो रहा है उसको ये यूजेबल बना दें तो वो सबके फायदे की बात है। जिसके सापेक्ष केवल 107 ही FPR पोर्टल पे हमने अप्रूव किया है सर, इसमें सबसे खराब जो 15 जनपद है प्रयागराज, भदोही, चंदौली, एटा, अयोध्या, हापुर, जालौन, झांसी, इन लोग ने काम नहीं किया सर। 2021 में कोई भी धनराशि रिलीज नहीं की गई है इस तरह से। तो इन जनपदों ने प्रयागराज हम लोग लगभग 70% धनराशि खर्च कर चुके हैं, MPR पर उस पर इन्होंने प्रोग्रेस नहीं दिखाया। एक अंत्येष्टि स्थल प्रदेश में बनने थे जिसके सापेक्ष 195 कोण बताया जा रहा है।